दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। जी हाँ, बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्या उनका यूज है हमारे पूरे SEO के अंदर और कितनी तरह के बैकलिंक्स जो हैं वो होते हैं, तो इस विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो का एंड तक देखना ना भूले। मैं हूँ मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका चैनल टेक गुरु मंजीत। सो बेसिकली दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में। जी हाँ, SEO का ही एक पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैकलिंक्स, जो कि हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कराने में और उसको ट्रस्टेड बनाने में जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सो दोस्तों ये बैकलिंक, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैकलिंक का यूज़ क्या है। बैकलिंक्स बेसिकली जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्राफिक को लेकर आते हैं। वो ट्रैफिक कहाँ से है? ट्रैफिक हमारे सोशल मीडिया से भी आ सकती है, ट्रैफिक हमारे किसी दूसरी वेबसाइट्स के आर्टिकल से आ सकती है, डिस्कशन बोर्ड से आ सकती है, या फिर हमारी एडवर्टाइजमेंट जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है उसके थ्रू भी आ सक्ती है। तो ये बैकलिंक्स जो हैं वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जिनके थ्रू जो ट्रैफिक है वो हमारे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होके आता है। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो बैकलिंक्स हैं ये कितनी कैटेगरी में होते हैं। सो दोस्तों बैकलिंक्स हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, वन इज डू फॉलो लिंक और दूसरा होता है नो फॉलो लिंक। तो सबसे पहले हम समझते लेते हैं कि नो फॉलो लिंक जो है वो बैकलिंक्स जो है वो किस तरह के होते हैं। सो जब भी हमारे वेबसाइट से रिलेटेड जो लिंक बना जाते हैं दूसरे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी वेबसाइट्स पे या किसी भी और जरिए के तरह, जहाँ पर जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं जो रेड कलर में ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इस जहाँ पे जिस लिंक के अंदर ये REL इक्वल्स टू डबल कोलन के अंदर नो फॉलो लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये नो फॉलो लिंक्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब जब भी सर्च इंजन के जो क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो गूगल है, बिंग है, आस्क है या याहू है, जो भी क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं वो जब इन लिंक्स पे पहुंचते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो टैग लगा हुआ है वो नो फॉलो का लगा हुआ है, तो वो इससे समझ जाते हैं कि ये लिंक्स को लेके रैंकिंग में इस वेबसाइट को नहीं लेके आना है। तो अब हम बात करते हैं डू फॉलो लिंक्स के बारे में। बेसिकली डू फॉलो लिंक्स वो हैं जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, या तो ये जहाँ पे आपको कोई भी टैग लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसको डू फॉलो करना है या नो फॉलो करना है, वो भी बैकलिंक्स जो हैं डू फॉलो के अंदर आते हैं, या फिर उनके अंदर ये टैग लगा होता है REL इक्वल्स टू डबल कोलन के अंदर डू फॉलो। तो गूगल के जो जितने भी क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं सर्च इंजन्स के, वो समझ जाते हैं कि ये जो लिंक वो लिंक हैं जिनके थ्रू जो है इस वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग के अंदर ट्रस्टेड के अंदर लाना है। सो दोस्तों ये आई होप कि आपको ये डू और नो फॉलो लिंक के बीच में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डू फॉलो लिंक्स जो है वो और नो फॉलो लिंक्स का रेशियो क्या होना चाहिए। सो दोस्तों अगर हम डू फॉलो लिंक 100% कर देंगे और नो फॉलो लिंक अगर हम नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करते कंटिन्यू करते चले जाएंगे और सिर्फ 100% डू फॉलो लिंक बनाएंगे, तो उससे होगा क्या, जो जितने भी इनके सिस्टम्स हैं क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं वो समझ जाते हैं कि अगर इनको बैक नो फॉलो बैक लिंक्स अगर नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को स्पैमिंग के अंदर डाल देंगे कि ये जो है वो स्पैमिंग हो रही है। तो वो स्पैमिंग के अंदर हमारी अगर वेबसाइट एक बार चली गई तो क्या है कि हमारी वेबसाइट को रैंक में लाना, उसको सर्च में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अगर डू फॉलो लिंक बना रहे हैं तो हमें नो फॉलो लिंक भी बनाने जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं इनके रेशियो के बारे में। तो रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 70-80% हम अगर डू फॉलो लिंक बनाते हैं तो 20-25% जो है हमें नो फॉलो लिंक भी जनरेट करने बहुत ही ज़रूरी हैं। सो नो फॉलो लिंक ज़्यादा होना भी गलत है और डू फॉलो लिंक 100% होना भी गलत चीज़ है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग में
नहीं जल्दी आ पाएगी। सो अब बात करते हैं कि डू फॉलो लिंक्स हम कहाँ से जनरेट करने चाहिए, उनका सोर्स कैसा होना चाहिए। अगर हम डू फॉलो लिंक्स जो है वो किसी दूसरे की वेबसाइट से लिंक जनरेट करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चेक करना है, अगर डू फॉलो लिंक क्रिएट करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम उन वेबसाइट्स के बारे टारगेट करें जिनका एलेक्सा के अंदर जो रैंकिंग है वो काफ़ी हायर है, यानी कि वो ऑलरेडी बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, उनके ऊपर ट्रैफिक भी है और वो रैंकिंग होके गूगल के ट्रस्ट में पड़ी हुई हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर में अगर हम डू फॉलो लिंक बनाते हैं तो हमें जो ट्रैफिक और हमारी वेबसाइट को जो ट्रैफिक मिलेगा प्लस हमारी वेबसाइट को जो बूस्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अगर उसके कंपैरेटिव में हम किसी छोटी छोटी जो नई वेबसाइट्स हैं खुद भी अभी सर्च में नहीं है या उनका प्रॉपर SEO वगैरह नहीं हो रखा, वहाँ पर अगर हम ये अपने डू फॉलो लिंक्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम डू फॉलो लिंक बना तो लेंगे लेकिन ना तो हमें उनका कोई बेनिफिट होने वाला है और ना ही हमारी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में जाने वाली है। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी किसी भी पर्सन से अगर SEO करवा रहे हैं तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो हमारे बैकलिंक्स जो हैं वो किस वेबसाइट्स पे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर लो जिनका एलेक्सा में रैंकिंग बहुत पीछे है तो वो वेबसाइट पे अगर वो आपको जितने भी डू फॉलो लिंक बना के दे रहे हैं तो वो आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अब गूगल का जो क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं वो सर्च करता है कि जितने भी हमारे डू फॉलो लिंक्स मिल रहे हैं या नो फॉलो लिंक्स मिल रहे हैं तो वो जान जाता है कि अगर इतनी सारी वेबसाइट और वो वेबसाइट्स की कैटेगरी जो रैंकिंग सेक्टर्स हैं वो रैंकिंग के हिसाब से उसको एनालाइज करता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है जिनका रैंकिंग ऑलरेडी अच्छा है अगर वो वेबसाइट्स हमें डू फॉलो लिंक वापस डू फॉलो लिंक दे रही हैं तो इसका मतलब है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो अच्छा है तो हमारी वेबसाइट को वो बूस्ट अप करके आगे सर्च के अंदर लेके जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रेपुटेड वेबसाइट्स के साथ ही और अच्छे SEO एजेंसीज के साथ ही हम पूरे जो डू फॉलो लिंक या फिर नो फॉलो लिंक ही हम उनसे जनरेट करवाएं। अब एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों ये हायर और डाउन में ज़रूरी है। एक एग्जांपल अब सपोज कर लिए वोटिंग हो रही है या वोटिंग के लिए दो कैंडिडेट खड़े हैं तो एक कैंडिडेट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है पहले से और काफ़ी उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा है उसकी जो पावर है या उसके लिए जो पकड़ है मार्केट के अंदर उसको कोई जानता नहीं है तो उसकी आप बताएं कि कौन जीतने वाला है। डेफिनेटली वही जीतेगा जो पावरफुल है, जो मार्केट में नोन है। तो सेम वही चीज़ हमारे इन बैकलिंक्स पे एप्लीकेबल होती है कि अगर हम रेपुटेड वेबसाइट से हमें बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारी वेबसाइट को जल्दी रैंकिंग में ले आएगा और दूसरी जिनको जानता है कोई नहीं है, जिनके रैंकिंग ही ऑलरेडी खुद की रैंकिंग बहुत पीछे है, उन वेबसाइट्स को अंदर अगर हमें बैक लिंक्स ये मिलते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये डू फॉलो लिंक्स हमें क्रिएट कहाँ करने चाहिए, मतलब किस सेक्शंस में करने चाहिए। अगर हम किसी आर्टिकल के अंदर हमारा कोई भी वेबसाइट है, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो अगर हम अपने आर्टिकल के अंदर जो वो खुद पोस्ट कर रहे हैं उस पोस्ट के अंदर अगर हमें डू फॉलो लिंक देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि वहाँ से जो है हम क्रॉलिंग सिस्टम समझ जाते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो ज़्यादा यूनिक है। बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए तो हम अच्छी वेबसाइट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स के कमेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन मेरा सजेशन है कि कमेंट्स का आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन उन कमेंट्स का इस्तेमाल बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आप
जस्ट 5-6% ही करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आप अगर बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके कंपैरेटिव में आपके आर्टिकल्स में बैकलिंक्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए एक सही तरीका नहीं है। वो भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इनक्रीज़ नहीं करेगा, उल्टा डिक्रीज़ कर देगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको अपने SEO करने में और बैकलिंक्स क्रिएट करने में, चाहे वो डू फॉलो लिंक है या फिर नो फॉलो लिंक है, उनके बारे में पूरी डिटेल दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।